हरिओम, तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रूबी 9 में। और मैं हूँ HP हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से। तो चलो शुरुआत करते नए दिन के और नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीब 9 बजे और मैं निकल पड़ी हूँ घर से इनको लेके जंगल को। एंड साथ में छाता है, रस्सी है, बोरू है। छाता तो मैंने अपने लिए डाला है क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है और बारिश भी लग पड़ी अब तो। और रस्सी और बोरू ये रहा, ये डाला है मैंने अपनी मम्मी के लिए क्योंकि मम्मी चले गई सुबह ही जंगल को लिंगड़ लाने। तब उन्होंने बोला ला दे आधा रास्ते तक वो आगे, तो चलो निकलते ऊपर जैसे इनको भी ले जाते हैं और साथ में ये भी दे आते हैं मम्मी को। शुक्र है तो मैंने छाता ला दिया, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ पे देखो जिनू आधा भीग भी गया। जिनू ओए क्यों हो रहा है बाहर? हाँ क्यों हो रहा है? इसको बुलाया मैंने चुपचाप से छाते के नीचे आ गया बैठने। और डंगरे कहाँ गुम हो गए मेरे को पता ही लगा, बाद में ढूंढने पड़ेंगे वो मेरे को, बस खेत में ना जाए। जा 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 जिनू, कहाँ जा रहा है भीगने आ रहा है तेरी? यहाँ देखो इसने यहाँ से भिगा दिया मेरे को, खुद तो जा रहा है बारिश में घड़ी घड़ी ना। जिनू भीग रहा है। और ये देखो यहाँ पे, ये मैंने मम्मी का फोन देना था लेकिन देना भूल गई, मेरी जेब में रह गया ये। कोई बात नहीं, अब तो बारिश जो अब थम गई और धूप लगना स्टार्ट हो गई है। मेरे को बहुत ही ज़्यादा भूख हो रही है क्योंकि मैंने सुबह खाना ही नहीं खाया, मैं ऐसे ही निकल गई, मेरे ध्यान में भी नहीं रहा था और उस टाइम भूख भी नहीं थी। और अब बहुत ही ज़्यादा भूख हो रही है और मैंने घर जाना है 12-1 बजे। तो अब चलते जंगल में ढूंढते जाके, काफल मिली तो ठीक, नहीं मिली तब भी ठीक, अब किस्मत देखते भाई बची है कि नहीं। इतना चलने के बाद जंगल में ये देखो पेड़ ही खाली है, कहीं कहीं पे दाने दाने। तो चलो चलते ऊपर जैसे देखते, अब ये भी खाली है तो ये भी खाली है, वहाँ से थोड़ी जैसी की ऊपर होगी। शुक्र है भाई मेहनत करने के बाद फल तो मिलेगा ही ना। चलो इतनी है, काफ़ी है, दाने दाने इकट्ठा करूँगी फिर खाऊँगी। अपने बांह पे देखो ताई लिंगड़ निकालने जा रही है यहाँ से, पर जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है पर फिर भी जा रही है। हाँ एंड यहाँ से नीचे अपना गांव, खेत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आज तो मेरे को जानवरों ने इतना भगाया ना, पूरे जंगल में, खेतों में, नाले में। और अब आगे मैं खुद खेत साइड और वो चले गए नाले से ऊपर। और अब मेरे को भूख बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो अब जा रही हूँ मैं घर, सबसे पहले उनको लाते फिर निकलते घर की तरफ। तो यहाँ पे देखो जो मक्की हमने कुछ दिनों पहले बीजी और निकल भी गई है। आते ही बना दी मैंने मैगी और साथ में भिंडी और रोटी और देसी घी। अब मज़ा आएगा खाना खाने का, वैसे भी सुबह से खाना ही नहीं खाया। चलो स्टार्ट करते अब। तो भाई किसने बोला था मेरे को इतने में पकौड़ ले लो पानी? मैंने हरी मिर्च इतनी डाल दी थी ना, वो शॉप से लाई थी, किसी में इतनी मिर्ची नहीं होती, लेकिन ओ इनमें इतनी मिर्च है ना मुँह जल रहा है पूरा। बड़ी मेहनत से जलाई मैंने चूल्हे में आग और मैंने रख दिया नहाने के लिए पानी। फूंक मार मार के चक्कर भी आने लगा अब तो।
तो महाराज का घर भक्ति संग आ गया बाइक में। सफर थोड़ा ही था बाइक का, पर मजा मेरे को बहुत आया। तो मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर, तो मैं आऊंगी कल सुबह वापसी। तो घर से ही मैं इतना भागते भागते ना, क्योंकि मेरे को ताव दिख गए बाइक में, तो मैं सोचा शायद से ताव जा रहे आगे तक मैं बाइक में ही पहुंच जाऊंगी, पर कहाँ ताव ना थोड़े से आए, ज्यादा नहीं। पर मैं दिखाती मैं आपको यहाँ से कि मैं घर से कहाँ तक आई बाइक में। तो ये रहा सामने मेरा गाँव, तो यहाँ पीछे से ही मैं यहाँ से परे नाले हो के यहाँ से परे जहाँ खेत दिखाई दे रहे उधर तक, बस इसके आगे पैदल चलो। इतना सफ़र करने से तो बच गई ना मैं। तो देखा कितना ज़्यादा सफ़र करा मैंने बाइक में। चलो खैर इतना ही था मेरा सफ़र। और तो आज आप ही घूम लो मेरे साथ साथ में इस साइड की नगरी, क्योंकि इस साइड हम बहुत ही कम निकलते हैं। जब काम होता है तब भी घर से बाहर निकलते हैं, जाते ही काम। और हाँ ये देख लो जो जुगाड़ लगाया था ना मैंने पिछले इतनी मेहनत करके ना वो निकल, मतलब इससे वो लकड़ी फिट नहीं बैठी रही और फोन हिल रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने वो निकाल ली थी। अब घूम रही हूँ मैं इसको लेके। चलो थोड़ा थोड़ा बहुत काम आ जाता है मेरा, जब मैंने फ़ोन रखना हो साइड में इसमें लगा दिया तो किसी पे अड़ा दिया साइड में, जैसे नहीं तो फ़ोन के साथ पत्थर लगाओ ये करो वो करो तब जाके होता है, तो होता ही नहीं है। तो आजकल इसके सहारे चली मेरी ज़िंदगी। चलो छोड़ेंगे नहीं जब तक ये पूरा टूट फूट ना जाए तब तक। ओ तो इतना सफ़र मैंने तय कर लिया और आप पीछे लास्ट में जाके मेरा गाँव। बस पहुंचने वाली मैं उसके घर के वहाँ, 5-10 मिनट। और वो रहा सामने आपका डायना पार्क। ये कहाँ पे बैठा कौवा बैठा यहाँ पे, और वहाँ से हो रहा सनसेट। तो मैं पहुंच गई थी प्रीति के घर कब की, और अब जा रहे हम प्रीति के नीचे गौशाला में, वहाँ पे बैल को घास डालना है, फिर आते वापसी। और आगे जा रही हमारी प्रीति मैडम। प्रीति यहाँ से प्रीति के खेत। और ये रहा सामने शाम का व्यू। तो प्रीति चलेगी अंदर घास डालने। तो आज के ब्लॉग को रखते इतने ही, अब मिलते हैं आपसे कल सुबह। और आपने करना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपको अगले एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।